हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीख लो यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हमजा। गाइस, आज मैं आपके साथ दो बहुत ही कमाल की और मोस्ट इफेक्टिव मेमोरी टेक्निक्स शेयर करूंगा, जिनको अप्लाई करके न सिर्फ आप चीजों को जल्दी याद कर सकते हैं बल्कि लॉन्ग टाइम के लिए आप उसको याद रख सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहली टेक्निक है एक्रोनिम्स। एक्रोनिम एक वर्ड होता है जो डिफरेंट वर्ड्स जो भी आप याद करना चाहते हैं उनके फर्स्ट लेटर के कॉम्बिनेशन से बनता है। इसमें हर लेटर एक हुक का तौर वेक्टर करता है जिसके साथ एक स्पेसिफिक वर्ड अटैच होता है। गाइस, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ह्यूमन बॉडी के 10 ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से हैं, तो एक बार आप सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक एक्रोनिम याद हो तो आप उसको विद इन अ मिनट बता सकते हैं। एंड दैट एक्रोनिम इज नाइसर ड्रम्स। इसमें एन फॉर नर्वस सिस्टम, आई फॉर इंटेगोमेट्री सिस्टम, सी फॉर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ई फॉर एंडोक्राइन सिस्टम, आर फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डी फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, आर फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम, यू फॉर यूरिनो जेनिटल सिस्टम, एम फॉर मस्कुलर सिस्टम एंड एस फॉर स्केलेटल सिस्टम। तो गाइज, आपने जस्ट एक एक्रोनिम याद करना है और आपको 10 के 10 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के नाम याद हो जाएंगे विद इन अ फ्यू सेकंड्स। तो गाइस, अगर आपने फाइव ग्रेट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम याद करने हो तो उसके लिए सिंपल सा एक एक्रोनिम है, दैट इज होम्स। इसमें एच फॉर ह्यूरॉन, ओ फॉर ओंटारियो, एम फॉर मिशिगन, ई फॉर एरी एंड एस फॉर सुपीरियर। सो जस्ट एक एक्रोनिम से हमने फाइव ग्रेट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम याद कर लिए। सो गाइस, व्हाइट लाइट में डिफरेंट कलर्स होते हैं, उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत निमोनिक है एंड दैट इज विबग्योर। वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। सो गाइस, सिर्फ एक वर्ड है, दैट इज विबग्योर। विबग्योर की मदद से आपको सारे के सारे व्हाइट लाइट में जितने भी कलर्स होते हैं वो सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। सो गाइस, एक्रोनिम जस्ट एक वर्ड होता है लेकिन उस एक वर्ड की मदद से आप बहुत सारे वर्ड को याद कर सकते हो। सो दिस इज द पावर ऑफ एक्रोनिम्स। सो गाइस, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट मेमोरी टेक्निक इज एक्रोस्टिक्स, जिसको सेंटेंस मेथड भी कहते हैं। सो इसमें आप जो भी वर्ड याद करना चाहते हो उसके पहले पहले लेटर को उठाओ और उसको मिला के एक सेंटेंस बना लो। गाइस, इस मेथड का हम उस वक्त अप्लाई करते हैं जब हमने एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ वर्ड को याद करना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोलर सिस्टम में डिफरेंट प्लैनेट्स के नेम याद करना चाहते हो तो उसके लिए हम सेंटेंस मेथड अप्लाई करते हैं, जैसे कि माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो गाइस, इसमें जो पहला पहला लेटर है ये एक स्पेसिफिक प्लैनेट के नेम को शो कर रहा है, जैसे माई में एम फॉर मर्करी, देन वेरी में वी फॉर वेनस, ई फॉर अर्थ एंड मदर में एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस एंड एन फॉर नेपच्यून। सो गाइज, इस सेंटेंस में हर वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो एक स्पेसिफिक वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। सो गाइज, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आप क्रैब साइकिल को याद करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास एक सेंटेंस होता है, ऑफिसर कैन आई कीप सेलिंग सेक्स फॉर मनी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक ब्यूटीफुल लेडी है, वो एक ऑफिसर के पास जाती है और उसको जा कहती है कि ऑफिसर कैन आई कीप सेलिंग सेक्स फॉर मनी। तो इसमें आप देख सकते हो कि ऑफिसर का ओ फॉर ऑक्सिलोसिटेट, कैन का सी फॉर सिट्रेट, आई फॉर आइसोसिट्रेट, कीप के से बन जाएगा अल्फा किटाग्लुटरेट, सेलिंग कैसे बनेगा सक्सिनेल को ए, एंड देन सेक्स के ऐसे बन जाएगा सक्सिनेट, फॉर के एफ से बन जाएगा फ्यूमर एट एंड मनी के एम से बन जाएगा मलेट। सो गाइस, सेंटेंस मेथड को हमने उस वक्त अप्लाई करना है जब आप डिफरेंट वर्ड्स को एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ याद करना चाहते हैं। सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड अल्लाह हाफिज़।